जब जब बहार आए। देखना तुम दोनों के मम्मी पापा एक दिन जरूर एक होगे और उन्हें एक तुम दोनों ही करवाओगे। वो कैसे, हम कैसे करेंगे? क्योंकि तुम लोग ही सोचते हो कि तुम्हारे मम्मी पापा एक हो जाए। और वैसे भी मैंने कहा था ना कि जो भी तुम अपने मन में सोचोगे वो जरूर पूरा होगा। लगता है पापा आ गए, इससे पहले मम्मी आ जाए हम उनसे मिलके आ जाते। चलो भैया। हम साईं मंदिर गए थे ना, तभी तो जय भैया ने हमें वहां से यहाँ लाया है। अच्छा, थैंक यू बेटा। पापा, जय भैया ने बहुत चला के, उन्हें सब कुछ आता है। जैसे क्या क्या आता है? उन्हें ना गाना गाना आता है, खाना बनाने आता है और पूजा करने भी आता है। अरे वाह, क्या बात है। वो आप और मम्मी की फ्रेंडशिप भी करवा सकते हैं। ओके। जय, आपने क्या जादू करा मेरे दोनों बच्चों के ऊपर। कौन हो तुम? ये साईं बाबा का ड्राइवर है। साईं बाबा का ड्राइवर? पापा ये ना कुछ भी बोलते रहता है। पापा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। मैं यहाँ इतने दिनों से रह रहा हूँ लेकिन आप चिंटू और माधवी से पहली बार मिलने आया हूँ। क्या आपको अपने बच्चों से मिलने का मन नहीं करता? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? नहीं बेटा, मेरा मन तो करता है अपने बच्चों से मिलने का, लेकिन क्या है ना कि काफी रीजंस होते हैं और वो रीजंस तुम आराम से समझोगे। जो रीजन एक पिता को अपने बच्चों से अलग रहने पे मजबूर करता है वो आपको भी समझ में नहीं आना चाहिए। वैसे भी आपको तो इनके साथ हमेशा रहना चाहिए। हमारे यहाँ तो पुराणों में भी लिखा है, मातृ पितृ कृताभ्यसो गुणीता मेति बालका नागर्भवत् युतिमत्र पुत्रो भवति पंडिता। मतलब भी बताता हूँ कि बच्चों को जन्म देने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, शिक्षा और संस्कार देने के बाद बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बनते हैं। बेटा, बहुत अच्छी बातें करते हो पर इतना सब कुछ तुमने कहाँ से सीखा? मैं तो सिर्फ अपने आँख और कान खुले रखता हूँ, अच्छी चीजें मैं अपने आप सीख जाता हूँ।
और मम्मी एक क्यों नहीं होते? बेटा, मैं तो चाहता हूँ कि हमारा पूरा परिवार एक हो जाए, लेकिन लेकिन अगर आप सच्चे मन से सोचोगे तो ये चीज जरूर पूरी होगी। पापा आप यहाँ से निकल जाओ, वरना मम्मी को पता चलेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारी मम्मा को तुम्हारे पापा संभाल लेंगे, ठीक है? टेंशन मत लो। अच्छा एक काम करते हैं, अब हम तीनों साथ हैं तो, और तुम्हारे जय भैया भी हैं, हम चारों के चारों कहीं घूमने चलते हैं ना? आज नहीं अंकल, जब पूरा परिवार एक होगा तब हम सब मिलकर घूमने जाएंगे। पापा हम चलते हैं, बाय। बाय बेटा। बाय पापा। मैं जल्दी मिलूंगा तुमसे। हाँ पापा, बाय। बाय। पापा तो फ्रेंडशिप के लिए रेडी है, बस अब मम्मी को मनाना बाकी है। भैया जब तक मम्मी पापा एक नहीं हो जाते तब तक आप कहीं मत जाना। मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम बहुत जल्दी जाओगे। अंदर जाओ, तुम तो जाओ। आज तो तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी, तुम ऐसे नहीं मानने वाले हो, अब तुम अपने घर जाओगे। मैं तो अपने ही घर पे हूं ना मम्मी। तुम ऐसी मीठी मीठी बातों से ना बाकियों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। आपको क्यों नहीं? आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते हो मम्मी? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मम्मी मत कहा करो। क्या जरूरत थी तुम्हें चिंटू और माधवी को उसके पापा से मिलवाने की? हाँ बच्चों से तो मिलना पापा का हक है ना। मुझे नहीं पता है, बस तुम यहां से जा रहे हो, कैसे जाना चाहते हो ये मुझे बता दो, प्लेन से या फिर टैक्सी से जाना है? मम्मी जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, ना बस से, ना ट्रेन से और ना ही प्लेन से। क्यों, कौन सी फैक्ट्री लगा रखी है तुमने यहाँ, कौन सा काम करने आए हो? ये बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। देखो मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ कि तुम सही सलामत मेरे बच्चों को मेरे पास ले आए। अब तुम्हारी हमें और कोई दया नहीं चाहिए, उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए ना ले लो। ठीक है मम्मी, मुझे बस थोड़े दिन और यहाँ पे रुकने दीजिए। ऐसे मत देखिए मम्मी, मैंने कोई बड़ी बात नहीं मांगी है। मैं भी देखती हूँ कि तुम यहाँ और कितने दिन रुक सकते हो। मुझे मेरे बच्चे मिल गए हैं, अब मुझे कोई लेना देना नहीं। मम्मी वो अभी तक आपके बच्चे नहीं हुए हैं। फोन बज रहा। जय भैया आपने मम्मी को बहुत अच्छा जवाब दिया। हेलो काम्या। हाँ विक्रम बोलो। काम्या मुझे लगता है कि मनीष ने कोई गंदी चाल चली है, वकील ने हमें कोर्ट में बुलाया है। लेकिन विक्रम हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। काम्या वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आई थिंक
इज समथिंग सीरियस। लेकिन विक्रम, फैसला तो आ चुका है ना? काम है, अब सृष्टि जी का फोन आया था और वो हम दोनों से मिलना चाहती है। काम है, मुझे लगता है कि वो हमसे केस के बारे में कुछ बात करना चाहती है। मैंने पूछा भी कि क्या बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि फोन पर नहीं बता सकती, मिलना पड़ेगा। तुम कहां पे हो? मुझसे मिलने आ सकती हो? हाँ। तुम सीधा सृष्टि जी के ऑफिस में पहुंच जाओ, मैं भी वहीं पे पहुंचता हूं। अच्छा हुआ मनीष, तुम बच्चों से मिलके आए। जब से आई हूं पहली बार तुम्हारे चेहरे पर सुकून देख रही हूं। विशाखा, आज मैं बहुत खुश हूं। आज बच्चों से मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मुझे जीवन में सब कुछ मिल गया। तुम्हें पता है, बच्चों ने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ रहना चाहते। इससे बढ़कर कोई खुशी मेरे जीवन में नहीं हो सकती। चाहे मेरा परिवार, मेरा घर मेरे बारे में कुछ भी सोचता, लेकिन मेरे बच्चे अभी भी मेरे साथ रहना चाहते। वो तो बस कामिया के डर से कुछ नहीं कह पाते। अगर बच्चे तुम्हारे पास रहना चाहते हैं तो हम कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। पता विशाखा, आज उनसे मिलकर ना मुझे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी ताकत दुगनी हो गई। हाँ, और जब उन्होंने मुझसे कहा कि पापा हम आपके साथ रहना चाहते हैं और कोर्ट में भी हम ये बात कहेंगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें कि मेरी हिम्मत दुगनी हो गई है। मैं उनको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। बोलिए शुक्ला जी, कैसे हैं आप? अरे मनीष जी, एकदम चकाचक। शुक्ला जी, मैं आपको फोन करने ही वाला था क्योंकि मैं... अरे मनीष जी, इसीलिए तो मैंने पहले ही आपको फोन कर दिया। मैंने आपको फोन यूं किया कि मैं आपको बताने वाला था कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। मैं बिल्कुल टेंशन फ्री ही हूँ शुक्ला जी। दरअसल आज मैं अपने बच्चों से मिला। मेरे बच्चों ने मुझसे कहा है कि वो मेरे साथ रहना चाहते हैं और इस बात को वो कोर्ट में भी कहेंगे। तो देखिए, आपके लिए केस तो काफी इजी हो गया। हाँ, वो तो सब ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये केस वैसे भी मेरे लिए मुश्किल था। अच्छा? अरे केस की उंगली पकड़ाई भी नहीं आ रही थी। अब मुझे उंगली मिल गई है, बस कोर्ट में उसका गला पकड़ना है। इस बार फैसला आपका पक्का, बस लिखवा के ले लीजिए। अरे बताइए तो सही शुक्ला जी, ऐसा क्या मिल गया आपको? आप आम खाइए, गुठलियां छोड़ दीजिए। जब जब बहार आई। अरे बताइए तो सही शुक्ला जी, ऐसा क्या मिल गया आपको? आप आम खाइए, गुठलियां छोड़ दीजिए। गुठलियां हम दुश्मनों के गले में फंसाएंगे। चलो ठीक है मनीष जी, मिलते हैं जी। विशाखा, ये जो
ये जो हमारे शुक्ला जी है ना, मुझे लगता है ये गलती से लॉयर बन गए। इनको तो जोकर होना चाहिए किसी ड्रामा कंपनी में। सच में मनीष, मैं तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हूँ। मैम कहाँ है? आती होंगी, बैठिए सर, कुछ लेंगे सर। पानी ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उन्होंने किया था, लेकिन शायद मिला नहीं। मनीष ने केस में शायद कुछ किया है जिससे हमें टेंशन हो सकती है। मैं जानती हूं मनीष को, केस हारने के बाद भी ना वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अगर उसने कुछ किया भी है तो इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं। विक्रम, तुम मनीष को नहीं जानते हो। और जानना भी नहीं चाहता, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम भी उसे भूल जाओ। विक्रम, मैं भी उसे भूल जाना चाहती हूँ। मेरे दिल में उसके लिए इतनी सारी नफरत है कि मैं चाहकर भी। यही तो मैं कह रहा हूँ काम्या, कि तुम्हारा उसका रिश्ता अभी तक टूटा नहीं है, बस बदल गया। पहले तुम उससे प्यार करती थी और अब तुम उससे नफरत करती हो। लेकिन काम्या, जब तक ये नफरत का रिश्ता रहेगा तुम उससे अलग नहीं हो सकती। काम्या, तुम एक बार उस रिश्ते को तोड़कर देखो, तुम अपने आप उससे दूर हो जाओगे। बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। आज मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। केस जीतकर बहुत खुश मत होना, क्योंकि बच्चों की कस्टडी तो मैं लेकर रहा हूं। चाहे उसके लिए मुझे हाई कोर्ट क्या और सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। काम्या, काम्या, तुमने मेरी फाइल देखी? उसमें इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। मनीष, क्या ढूंढ रहे हो? और काम्या, जब जब बहार आए। काम्या, तुमने मेरी फाइल देखी? उसमें इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। मनीष, क्या ढूंढ रहे हो? और काम्या, वो यहां पर नहीं है। सॉरी यार, वो 9 साल की आदत पड़ गई है। लेकिन खैर, वो छोड़ो ये सब कुछ, तो मुझे एक बात बताओ। मैं जिस दिन तुम्हारे यहां पर आया था, मैंने सारा सामान तुम्हारे यहां टेबल पर रखा था, उसमें एक फाइल थी, उसमें मेरे काफी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। तुम्हें कुछ याद है वो ब्लू कलर की फाइल कहां होगी? हाँ, वो तो मैंने कहीं पर रख दी, पर पता नहीं। पता नहीं क्या क्या बोल रही हो तुम? तुमने कहीं पर रख दी और तुम्हें पता नहीं? हाउ कैन यू से दैट? तो काम्या ने मेरी आदत बिगाड़ रखी। कोई भी चीज करने की मेरे को आदत नहीं है जीवन में। एक चीज उसको बोलता था और वो फटाक से लेकर आ जाती थी। पता नहीं इंसान थी या कंप्यूटर। क्यों
क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें थोड़ी ना कुछ कह रहा हूं, मैं उसको कोस रहा हूं कि मेरे को ऐसा निकम्मा बना दिया उसने। मेरी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल है। देखो, इस कलर की फाइल तुम्हें अगर मिले तो उसे ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। प्लीज जस्ट हेल्प मी आउट। मनीष, अब भी तुम्हारे लिए काम्या इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं। शाखा, विशाखा, विशाखा, ये क्या क्या कर रही हो तुम? ये क्या नाटक है? मुझे बताओ कि क्या कर रही हो। मनीष, हाथ छोड़ो मेरा। जब तक तुम मुझे बताओगे मैं नहीं। तुम्हारी बीवी नहीं हूँ मनीष, और ना ही कभी हो सकती हूँ। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी नहीं हो सकती, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम पर निछावर कर दी। मुझे बात तो बताओ, क्या हो गया ऐसा? सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं यहाँ तब आई जब तुम्हारा काव्या से डिवोर्स हो चुका था। मैं तुम्हारी यहाँ पे शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने नहीं आई थी। अरे तो मैंने कब कहा है कि तुम मेरे जीवन में पहले आई थी? और तुम चाहती क्या और क्या कह रही हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मनीष, आज मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है, क्या किया है मैंने? तुमने काम्या से तलाक लिया, मुझे लगा तुम उससे दूर हो गए, और मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती हूँ। लेकिन तलाक के बाद तुम काम्या को भी नहीं भूल पाए। नहीं, नफरत करता हूँ उससे।